सो आज मैं आपको हंसाने के लिए लेकर आया हूँ ऐसी कमाल की पिक्चर्स जिनको देखने के बाद आपकी हंसी नहीं रुकेगी। तो फिर देर किस बात की, चलिए अपना मनोरंजन शुरू करते हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज की दुनिया में हर जगह बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन है। जैसा कि आप इस फोटो के अंदर देख सकते हो, यहाँ पर दो दुकानें हैं और दोनों ही मोबाइल रिपेयरिंग की दुकानें हैं, लेकिन इस दुकान पर लिखा है मोबाइल रिपेयरिंग और इसके पास वाली दुकान पर लिखा है फास्ट मोबाइल रिपेयरिंग। अरे भाई, ऐसा क्या है तेरी दुकान में? क्या तू 5G की स्पीड में काम करता है क्या? कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। नेक्स्ट, लोग सुबह सुबह न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि दुनिया में क्या हो रहा है ये पता चल सके। लेकिन गाइस, यहाँ पर एक पपट हो गया। इस आदमी के पास लुंगी लपेटने के लिए टॉवेल नहीं था, तो इसने न्यूज़पेपर को ही अपना टॉवेल बना लिया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। भाड़ में जाए दुनिया भर की खबरें अपनों की है, अपनों को तो बस लुंगी करना है। नेक्स्ट, अब इन्हें देखो, ये अभी तक सिर्फ डीजल और पेट्रोल ही बेचा करते थे, लेकिन अब डीजल पेट्रोल के साथ साथ बीज, खाद, खेती का सामान, कीटनाशक दवाएं, नतुन लालटेन, नतुन चूल्हा, फलाना ढिमका और न जाने क्या क्या बेचने लगे हैं। बस अब मेडिकल की दवाइयां बेचनी बाकी है। नेक्स्ट, अगर आपको भी खतरों से खेलने में डर लगता है तो डोंट वरी, क्योंकि इस बंदे से सीखिए कि खतरों से कैसे खेला जाता है। खतरों के खिलाड़ी। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? नेक्स्ट, इस बंदे ने प्याज काटते हुए आंसुओं से बचने के लिए क्या दिमाग लगाया है। अब मजा ले प्याज की जो इसे रुला दे। वैसे प्याज काटते हुए आंसुओं से बचने का ये मस्त जुगाड़ है, मैं भी ट्राई करूंगा और हो सके तो आप भी ट्राई कर लेना। नेक्स्ट, ये है आईफोन 11 और ये है आईडॉग 11 प्रो मैक्स। नेक्स्ट, अब इस लड़की को देखो, दिस इज फैशन कॉम्पिटिशन। अब देखो ना यार, फैशन की भी हद होती है। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। नेक्स्ट, एक आदमी के पास ओडी कार लेने की औकात नहीं थी, तो उसने अपने सपने को साकार करने के लिए अपनी मारुति के पीछे लिखवा ही लिया कि बड़ी होकर ओडी बनूंगी। यार मानना पड़ेगा, इस बंदे का ना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, ये देखो, मेक इन इंडिया ने बनाया खतरनाक स्टडी लैंप और ऐसे कमाल के जुगाड़ बनाने वाले लेजेंड्स हमारे इंडिया में ही देखने को मिलेंगे। बात तो सही। नेक्स्ट, ये देखो, यहाँ पर आसपास पानी भरा पड़ा है और ये दोनों मस्त वाटर बेड के साथ लेटे हुए एंजॉय कर रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। भाड़ में जाए बारिश, हम तो ऐसे ही मजे करेंगे क्योंकि ये आराम का मामला है। नेक्स्ट, ये देखो, रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। कहने का मतलब है कि खंबा चला गया लेकिन इंसुलेटर नहीं गया। देखो देखो, खंबा टूटने के बाद भी कितना लगन से काम कर रहा है। नेक्स्ट, ये फोटो आपको बहुत ही नॉर्मल सी लग रही होगी, लेकिन ध्यान से देखने पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर एक बंदा नाराज होकर एसी के कंडेंसर यूनिट पर बैठा हुआ है। बताओ, ये भी कोई नाराज होकर बैठने की जगह है? नहीं। नेक्स्ट भैया, ये है गाड़ी और इसके ऊपर भी गाड़ी और गाड़ी के ऊपर भी गाड़ी, क्योंकि यही तो है मालगाड़ी। नेक्स्ट, एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड से कहा कि बाबू टाइम पर खाना और टाइम पर सोना, तो बेचारे बाबू ने अपनी बेबी की बात मान ली और फिर बाबू ने ऐसा ही किया। ये देखो, दीवार घड़ी को उतार कर टाइम पर खाया और टाइम पर ही सो गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का। दुआ करो कि जिन लड़कियों को अपनी खूबसूरती पर घमंड होता है उन्हें ऐसा ही संस्कारी और उनकी बात मानने वाला बाबू मिले। बाबू। नेक्स्ट, ये देखो, ये मैकेनिक भैया जिस गाड़ी को ठीक कर रहे हैं वो गाड़ी नहीं बल्कि गाड़ी का बोनट है। तो फिर गाड़ी कहाँ पर है? नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का। है कौन? मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, स्कूल कॉलेजेस में आपने देखा होगा कि पढ़ाने वाले मास्टर जी ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए शब्दों को मिटाने के लिए डस्टर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारे मास्टर जी ना थोड़ा अलग टाइप के हैं। ये देखो, डस्टर की जगह झाड़ू का इस्तेमाल करते हैं। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं नहीं बताऊंगा। नेक्स्ट, एक आशिक अपनी आशिकी के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसने अपने सच्चे प्यार को साबित करने के लिए अपने सीने पर अपनी गर्लफ्रेंड का ही टैटू बनवा लिया। लेकिन कहते हैं ना कि लड़की का कोई भरोसा नहीं है कि कब छोड़कर चली जाए, तो इसने अपने ब्रेकअप से पहले अपनी गर्लफ्रेंड का टैटू बनवाया और उसी टैटू को अपने ब्रेकअप के बाद कुछ इस तरह डिजाइन कर लिया।
तो यार आज के लिए बस इतना ही काफी है। अगर आपको ऐसी एक और वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी अगर आपको ये सिस्टम फाड़ने वाले लोगों के कारनामे अच्छे लगे हो तो वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब।